हम पूछना चाहते हैं, मैं प्रधानमंत्री को पूछना चाहता हूं कि केंद्र में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी के, केंद्र में डिफेंस मंत्री कांग्रेस पार्टी के हैं, आप हमें बताइए देश की आजादी के बाद कभी भी दिल्ली में बैठी हुई सरकार को सेना के साथ कभी झगड़ा नहीं हुआ है, दिल्ली में बैठी हुई सरकार को कभी सेना के साथ विवाद नहीं हुआ है, वो कौन सी गठबंधन की मजबूरी है जबकि डिफेंस मंत्री आपका कांग्रेस का है, जबकि प्रधानमंत्री कांग्रेस का है, और आज दिल्ली की सरकार लगातार सेना के साथ भिड़ रही है, ये कौन सी गठबंधन की मजबूरी है? प्रधानमंत्री जी देश जानना चाहता है। आप कहते हैं नक्सलवाद का खतरा है, आप कहते हैं चीन घुसपैठ कर रहा है, आप कहते हैं अरुणाचल में हम जाते हैं तो चीन हमारे साथ हमेशा अंतर्राष्ट्रीय नॉर्म के खिलाफ व्यवहार करता है, ये सब कहते हैं आप, उसके बावजूद भी हिंदुस्तान का सेना नायक कहता है कि हमारे पास युद्ध के लिए बारूद नहीं है, हमारे पास आर्म्स नहीं है, एम्यूनिशन नहीं है। प्रधानमंत्री जी कौन सी गठबंधन की मजबूरी है आपकी? 2010 because from what he says it is against his own character in him. के कारण देश की सेना के पास आधुनिक शस्त्र न हो, सवाल बहुत सारे खड़े होते हैं। प्रधानमंत्री जी दिल्ली में बैठी हुई कांग्रेस की सरकार आपको जवाब देना पड़ेगा। भाइयों बहनों, मैडम सोनिया जी ने कहा प्रॉमिस नहीं चलेंगे, परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। ये किसको समझा रहे थे भाई? इसका मतलब ये तो तय हो गया कि इतने साल वो प्रॉमिस ही करते रहे हैं, परफॉर्मेंस नहीं किया है। इंदिरा जी के जमाने से गरीबी हटाओ का प्रॉमिस से लेकर के अब तक वो प्रॉमिस ही प्रॉमिस करते रहे हैं, परफॉर्मेंस नहीं किया है। उन्होंने प्रॉमिस किए हैं और वोट बैंक की राजनीति की है, परफॉर्मेंस का तो नामो निशान नहीं है। भाइयों बहनों, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। इस देश में गरीबों की भलाई के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम चल रहा है, 1975 से चल रहा है, और जो भी सरकार आई सब सरकारों ने उसको कंटिन्यू किया है, किसी ने उसको खारिज नहीं किया, और हर 3 महीने दिल्ली की सरकार उस काम का मॉनिटरिंग करती है कि हिंदुस्तान में किस राज्य ने 20-point प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन में क्या काम किया है। भाइयों बहनों, पिछले 10 साल से मैं सरकार में हूं, मैं देखता हूं ये 20-point प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में पहले 5 राज्य जो आते हैं वो या तो भाजपा सरकारें होती है या एनडीए की कोई ना कोई सरकार होती है, कांग्रेस की एक भी सरकार का परफॉर्मेंस पहले 5 में नहीं आता है, नहीं आता है, और गरीबों की भलाई के काम होते हैं नहीं आता है। और जब ये मैं बार बार बोलने लगा, एक बार हमारे मुख्यमंत्रियों की सभा में प्रधानमंत्री के सामने मैंने कहा कि ये आपका हालत है, तो उन्होंने क्या किया? करना तो ये चाहिए था कि कांग्रेस की सरकारों को समझाना चाहिए था कि भाई देखिए ये भाजपा वाले आगे निकल रहे हैं, तुम भी कुछ परफॉर्मेंस करो। उन्होंने वो नहीं किया। दिल्ली सरकार ने क्या किया? वो जो 3 महीने हिसाब करते थे और उसका सारा रेटिंग डिक्लेयर करते थे उसको ही बंद कर दिया, ताकि दुनिया को पता न चले कि ये प्रॉमिस वाले कौन है और परफॉर्मेंस वाले कौन है, ये खेल चल रहा है। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री ने अपने रिपोर्ट कार्ड में अचीवमेंट बताया है। अचीवमेंट कौन सा बताया? उन्होंने अचीवमेंट बताया है कि पहले हमारा कृषि विकास दर 2.25% था और अब 3.75% हो गया है, 1% बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री जी, ये सुनकर के हमें हैरानी हो रही है कि आप देश के सामने क्या रिपोर्ट कार्ड दे रहे हो। भाइयों बहनों, मेरा गुजरात जो 10 साल में 7 साल अकाल वाला गुजरात,
पूरे 10 वर्ष गुजरात का एग्रीकल्चर ग्रोथ है 11%। और मेरे देश के प्रधानमंत्री हिंदुस्तान को बता रहे हैं कि हम 2.25 थे, अब 3.75 हो गए। ये हमारा बहुत बड़ा अचीवमेंट है। भाइयों बहनों, आप तय कर लीजिए कि आपको ये 2.25 से 2.75 चले वाले वाले लोगों से चलना है। देश डूब जाएगा, जनता भूखी मरेगी। अगर कृषि विकास की हाल हुआ तो देश के इंसान को खाने के लिए अन्न नहीं मिलेगा, ये हालत हो। ये तो कुछ राज्य हैं जो मेहनत कर रहे हैं और उसके कारण कुछ फसल पैदा हो रही है, देश का पेट भर रहा है। दिल्ली की सरकार नहीं कर पा रही है और कृषि मंत्री आपके महाराष्ट्र के हैं। भाइयों बहनों, बिजली का क्षेत्र, ये निर्मल बाबा की सरकार, उन्होंने कहा था हम 50,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेंगे और इस रिपोर्ट कार्ड में उन्होंने कहा है बड़े गर्व के साथ कि हमने 20,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया। मैं जरा पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, जरा देश के सामने एक सच्चाई बता दीजिए, ये 20,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन हुआ है वो किस राज्य में हुआ है, किस राज्य की मेहनत के कारण हुआ है? और वहां पर 1% 2% भी दिल्ली का कोई हिस्सा है क्या? नहीं है मेरे भाइयों बहनों, नहीं है। ये राज्यों के पुरुषार्थ को अपने खाते में डाल रहे हैं और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम लोगों ने ये काम किया है। अरे इतना ही नहीं प्रधानमंत्री जी, आपके पास नीति न होने के कारण आज कोयले के बिना, आज हिंदुस्तान कोयले के बिना एक तरफ अंधेरा छाया हुआ है। लोग बिजली के लिए तरस रहे हैं, किसान को बिजली चाहिए, उद्योग को बिजली चाहिए, नौजवान को गांव में पढ़ाई के लिए रात को बिजली की जरूरत है, माँ बीमार है तो बेटा चाहता है कि बिजली आए, पंखा चले, माँ को छाता मिले। लेकिन प्रधानमंत्री जी, कोयले के कारण, आपकी नीतियों के अभाव के कारण, कोयले में भ्रष्टाचार चलने के कारण आज देश के बिजली के जो कारखाने लगे हुए हैं उनको सफिशियंट कोयला नहीं मिल रहा है और उसके कारण जो बिजली के कारखाने लगे हुए हैं उसका आज सिर्फ 60% उपयोग हो रहा है, 40% वैसे के वैसे बंद पड़े हैं। कम से कम कोयला और गैस मिल जाता तो भी शायद ज्यादा बिजली मिल जाती और हिंदुस्तान के किसान को बिजली मुहैया होती। लेकिन सिर्फ कोयले के संबंध में आपकी नीतियों के अभाव के कारण आज स्थिति बनी है। और दिल्ली में प्रधानमंत्री ने पहली बार एक बात को स्वीकार किया है और मैं मानता हूं एक प्रकार से उन्होंने अपनी विफलता को स्वीकार किया। अपने रिपोर्ट कार्ड में उन्होंने कहा है कि हमें राज्यों के साथ अपने संबंध सुधारने पड़ेंगे। मतलब पक्का हो गया कि उन्होंने राज्यों को कभी आदर के साथ, समानता के साथ स्वीकार नहीं किया। भाई बहनों, मैडम जयललिता जी ने मुख्यमंत्री की भरी सभा में कहा था कि आपने मुख्यमंत्रियों को और राज्यों को एक म्युनिसिपैलिटी में कन्वर्ट कर दिया है, आपने राज्यों को बहुत ही नीचे करने की कोशिश की। और मैं बड़ी गंभीरता के साथ आज दिल्ली की सरकार पर आरोप लगाता हूं कि दिल्ली की सल्तनत ने भारत के संघीय ढांचे को पिछले 50 साल में जो नुकसान ना हुआ हो उससे ज्यादा नुकसान ये यूपीए 2 ने किया है। हर राज्य को तबाह करना, हर राज्य को परेशान करना, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करना और राज्यों को प्रगति करने से रोकना, ये उनका कारनामा चल रहा है। अभी ये कानून लाए एनसीपीसी और क्या कहने के लिए लाए, आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए ये एनसीपीसी की जरूरत है। मैंने इनको सवाल पूछा कि प्रधानमंत्री जी बताइए,
राज्यों के हाथ से ये शक्ति क्यों छीन रहे हो, क्यों दिल्ली के कब्जे में सारी सत्ता हथिया रहे हो। कानून व्यवस्था अगर राज्य का विषय है तो ये खेल क्यों खेला जा रहा है, राज्यों को निशस्त्र क्यों कर दिया जा रहा है, उसको शक्तिहीन क्यों किया जा रहा है। अगर आप में हिम्मत है, ईमानदारी है, वोट बैंक की राजनीति से मुक्ति का हल आप में सामर्थ्य है तो मुझे जवाब दीजिए, ये जो आतंकवादी है, ये नक्सलवादी है, उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है, सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है। जो आपके कब्जे में है उसको तो संभालो, और जो विदेश से बारूद आता है, शस्त्र आते हैं, आतंकवादियों के पास पहुंच जाते हैं, उसको तो रोको। जवाब नहीं है। मैंने उनको दूसरा सवाल पूछा, हमने कहा आतंकवादियों के पास धन आता है, हवाले से आता है, पूरा मनी ट्रांजेक्शन का कारोबार भारत सरकार के कब्जे में है, आरबीआई के अंदर में है, बैंकों के माध्यम से होता है। क्या प्रधानमंत्री आप इतनी निगरानी नहीं रख सकते कि ये जो धन विदेश से आकर के आतंकवादियों के पास जाता है आपके हाथ में है, राज्य उसमें कहीं बीच में नहीं आते, आप उसको क्यों नहीं रोकते हैं, क्यों नहीं पकड़ पाते हो, आप उसके लिए क्या करना चाहते हो? मैंने तीसरा सवाल उनको पूछा कि विदेशों से घुसपैठिए आते हैं, घुसपैठिए आतंकवादियों के रूप में आते हैं, आतंकवादी घटनाएं करते हैं, भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री जी आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, बीएसएफ सेना सब आपके हाथ में, नेवी आपके हाथ में है, ये विदेश से घुसपैठिए कैसे घुस जाते हैं, आतंकवादी विदेशों से यहां कैसे घुस जाते हैं? आप जवाब दीजिए, व्यवस्था आपके पास है, उनके पास जवाब नहीं था। मैंने चौथा सवाल पूछा, मैंने उनसे पूछा, प्रधानमंत्री जी बताइए, सारा कम्युनिकेशन भारत सरकार के अंडर में है, कोई भी अगर टेलीफोन पर बात करता है, ईमेल भेजता है, कोई भी कम्युनिकेशन करता है, भारत सरकार उसको इंटरप्ट कर सकती है, इंटरप्ट कर करके जानकारियां पा सकती है कि आतंकवादी गतिविधि के अंदर कौन सा कम्युनिकेशन चल रहा है और आप उसे रोक सकते हो। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को, इस विषय में आपने क्या किया है? उनके पास जवाब नहीं था। मैंने पांचवा सवाल उनको पूछा, हमने पूछा, प्रधानमंत्री जी बताइए कि आप विदेशों में जो आतंकवादी भाग चुके हैं, जो लोग विदेश में बैठ करके हिंदुस्तान में आतंकवाद की घटनाएं कर रहे हैं, उनको प्रत्यारोपण के द्वारा हिंदुस्तान लाने का हमें अधिकार होता है, आपकी विदेश नीति में वो क्या ताकत है कि आप अभी तक एक भी आतंकवादी को दुनिया के किसी देश से हिंदुस्तान के हवाले नहीं कर पाए हो, आप ला नहीं पाए हो, ये आपके अंदर में है। एक बार इन पांचों चीजों पर कुछ करके दिखाइए, आतंकवाद जड़ से उखड़ जाएगा, राज्यों के अधिकार हत्या करके राजनीति के करने के खेल छोड़ दीजिए। भाइयों बहनों, दिल्ली की सल्तनत के पास मेरे इन सवालों के जवाब नहीं है। इस देश को आतंकवाद से अगर बचाना होगा, इस देश को नक्सलवाद से बचाना होगा, तो भाइयों बहनों, इस देश के 100 करोड़ नागरिकों ने, 120 करोड़ नागरिकों ने संकल्प करना होगा जीरो टॉलरेंस का। अगर जीरो टॉलरेंस का हमारा संपर्क संकल्प होगा, तभी जाकर के हम आतंकवाद से, नक्सलवाद से, इस हिंसा से इस देश को बचा सकते हैं। लेकिन भाइयों बहनों, दिल्ली की सरकार में वो सीना नहीं है, 46 इंच का सीना ये नहीं कर सकते भाइयों बहनों। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भाइयों बहनों, देश के भविष्य के लिए, इन्होंने 120 पेज का रिपोर्ट कर दिया, आपको हैरानी होगी, हिंदुस्तान की 50% जनता हमारी माताएं बहने हैं, 120 पेज के उनके रिपोर्ट कार्ड के अंदर एक शब्द माताओं बहनों की भलाई के लिए उन्होंने क्या किया, क्या अचीवमेंट किया, उसका जिक्र तक नहीं है। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान आज दुनिया का सबसे बड़ा देश है, चीन के साथ अगर हमें स्पर्धा करनी है, 21वीं सदी हिंदुस्तान की सदी बनानी है, तो बनेगी हमारी युवा शक्ति के माध्यम से। चीन के अंदर स्किल डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा है, 50,000 से ज्यादा कोर्सेज के माध्यम से चीन के नौजवानों को
हुनर सिखाया जाता है, स्किल डेवलप किया जाता है और पूरी दुनिया में अपने स्किल के माध्यम से व्यापार को हथियाने का प्रयास हो रहा है। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, आपने स्किल डेवलपमेंट के लिए क्या किया? आपके रिपोर्ट कार्ड में एक बार प्रधानमंत्री ने हमारी एनडीसी की मीटिंग में कहा था कि हम 500 स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज चालू करेंगे, 500। मैंने सवाल पूछा था, मैंने कहा प्रधानमंत्री जी चाइना 50,000 कर रहा है, आप 500 करोगे, एक एक रन बनाकर के सेंचुरी कब कर पाओगे मुझे बताओ? कोई जवाब नहीं था। और आज दुख की बात है, 120 पेज तुम के रिपोर्ट कार्ड में स्किल डेवलपमेंट के लिए, हमारे युवाओं के लिए भविष्य में क्या देने वाले हैं, 3 साल में क्या दिया, उसका कोई जवाब ये दिल्ली की सल्तनत ने नहीं दिया है। भाइयों बहनों, अगर हम भारत की युवा शक्ति, जो देश दुनिया का युवा देश है, उसको अगर ये सामर्थ्य नहीं देते हैं, उनको ये शक्ति नहीं देते हैं, तो विश्व गुरु बनने का जो सपना है, दुनिया में महासत्ता बनने का सपना है, 21वीं सदी हिंदुस्तान की सदी बने, ये जो सपना है वो सपना वही के वही रह जाएगा। भाइयों बहनों, दिल्ली में ऐसी सल्तनत रहते हुए कोई सपने पूरे होने की संभावना नहीं है। महंगाई की जो हाल किया है, पेट्रोल का जो दाम बढ़ा है, उस पर कई वक्ताओं ने कहा है, इसलिए मैं उसका उल्लेख नहीं कर रहा हूं। और मैं एनडीए का भी की तरफ से पूरे भारत बंद का ऐलान किया गया है, और इसलिए दिल्ली की सरकार कैसे रिस्पॉन्ड करती है, देश इंतजार कर रहा है, देश सोच रहा है क्या भारत की जनता की भावनाओं का दिल्ली के दरबार में कोई आदर है कि नहीं। ये कसौटी का काल बनने वाला है, और दिल्ली की सरकार ऐसी है कि उसको हिंदुस्तान की आम आदमी की संवेदनाओं से कोई लेना देना नहीं, वो सिर्फ अपने राजनीतिक करने पर तुले हुए हैं। भाइयों बहनों, एक के बाद एक कानून ऐसे ला रहे हैं, अभी वो कम्युनल वायलेंस बिल पर सोच रहे हैं, उसमें तो उन्होंने तय किया है उस बिल में कि हिंदुस्तान का जो बहुमत समाज है उसको दोषी मान करके ही आगे कार्रवाई होगी। ये कौन सा खेल चल रहा है? भाइयों बहनों, अमरनाथ की यात्रा किसी जमाने में 3 महीने 4-4 महीने चलती थी, ये दिल्ली की सरकार की हालत देखिए कि अमरनाथ की यात्रा के दिन कम होते 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 अब 40-45 दिन पर आ गई है, और संख्या जाने वालों की 2 लाख से 8 लाख पहुंच गई है। लेकिन ये दिल्ली की सल्तनत न उनका ही पार्टनर सरकार है कश्मीर में, उससे ये नहीं करवा पा रही है कि हिंदुस्तान वासी अमरनाथ जाना चाहता है, कम से कम उसको अवसर दिया जाए ये भी कराने का सामर्थ्य ये दिल्ली की सल्तनत में नहीं है। और इसलिए भाइयों बहनों, अब समय का इंतजार देश कब तक करेगा? समय की मांग है कि देश एक होकर के इस दिल्ली की सल्तनत के खिलाफ आवाज उठाए। एक पल के लिए ये सरकार नहीं रहनी चाहिए, और जितने दिन ज्यादा रहेगी देश तबाह हो जाएगा। मैं आज इस मुंबई की सभा में मांग करता हूं कि ये जो रुपए की कीमत बहुत तेजी से घट रही है, 25% गिरावट आई है, 25% गिरावट। देश जानना चाहता है कि नवंबर महीने तक मामला ठीक चलता था, उसके बाद ये कौन सी बातें हुई हैं, कि आरबीआई ने कौन से बयान दिए हैं, केंद्र सरकार में बैठे हुए मंत्रियों ने कौन से बयान दिए हैं, और अचानक बहुत तेजी से रुपया गिरता क्यों गया है? क्या इसके पीछे कोई षड्यंत्र चल रहा है? क्या रुपयों की हेराफेरी का कोई खेल चल रहा है? क्या अंतर्राष्ट्रीय अर्थ जगत के अंदर इस प्रकार से माल प्रैक्टिस करने वालों के नेटवर्क को कोई मदद पहुंचाई जा रही है? देश चाहता है प्रधानमंत्री जी, आप तो कभी अर्थ जगत के मुखिया के रूप में काम किया है, ये रुपयों की गिरावट, ये सिंपल आर्थिक कारणों से रुपयों की गिरावट नहीं दिख रही है, ये रुपये की कीमत आर्थिक कारणों से नहीं घटी है, कोई ना कोई षड्यंत्र है, कोई कोई हेरा फेरी का खेल है, जो देश जानना चाहता है। ये गंभीर सवाल मैं आज दिल्ली सल्तनत के सामने उठा रहा हूं। ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे अगर नेताओं का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती, क्या कारण है हिंदुस्तान का?
का पतला होता जा रहा है। ये जवाब देना पड़ेगा आपको, देश आपसे जवाब मांग रहा है। भाइयों बहनों, समय की कमी है, आदरणीय अध्यक्ष जी को भी सुनना है। आपने मुझे इतना प्यार दिया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। नमस्कार।